फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम न्यूज सीरीज। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें कुछ बताने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को पूरी तरह से देखना, क्योंकि आज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए बहुत सारी बेनिफिट वाली बातें मैं आज बताने जाने वाला हूं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, उसको आप लाइक भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वीक हम आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ और अपडेशन आ रही हैं और इस चैनल के द्वारा हम आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद DGFT के जो सर्कुलर्स आए हैं उसके बारे में। DGFT ने वाइड सर्कुलेशन नंबर 19 राज सुंदर को ओपन करके USA को भेजने का टाइम दिया हुआ है 30 सितंबर तक का, और उसका HS कोड है 170100। तो उसके जो कोटा है, जो टैरिफ रेट कोटा है, उसके अंतर्गत इसको फ्रीली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल आप इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर देख सकते हैं। अभी जो मैं इंटरेस्टिंग बात वाली जो बात करने जा रहा था वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो चाइना से गुड्स खरीदता था, और उन चाइनीज गुड्स के ऊपर उन लोगों ने जो ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, इसके वजह से उनको वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी, और इन आइटमों के अंदर अभी हमारे इंडिया का जो है वो पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से आइटम्स हैं जो चाइना से वो पहले मंगाती थी और उन लोगों ने उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दिए, और वो आइटम्स हैं हमारे स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, स्टेशनरी, केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, रबर, फुटवेयर एंड किचन एसेसरीज। हाँ, दूसरी कंट्रीज लाइक वियतनाम और कंबोडिया और दूसरी कोई कंट्रीज इन आइटमों को अपना एक्सपोर्ट USA को करना चालू करे, इससे पहले मैं इंडियन एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को बताना चाहता हूँ कि इन आइटमों के ऊपर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और USA में अपना एक्सपोर्ट को इन आइटमों के ऊपर ध्यान देकर बढ़ाइए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19 जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये आइटम ऑलरेडी 1.5 बिलियन USA को एक्सपोर्ट कर दिया है। ज़्यादा डिटेल मैंने आपको लिंक में दी हुई है, आप इसे इन लिंकों को भी खोल के ज़्यादा डिटेल प्राप्त कर दीजिए आपके लिए। अभी जो मैंने शुरू में आपको बताया था इंटरेस्टिंग बातें, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंटिन्यू, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बताई थी कि 177 आइटम्स जो चाइना से जा रही थी पहले, और उस लिस्ट के बारे में बहुत सारे अच्छे मेरे पास कॉल्स वगैरह भी आए थे कि कौन सी लिस्ट है। आपको गुजारिश है कि वो मेरे इसके पहले वाला वीडियो खोल के देखिए, उसमें मैंने एक लिंक दी हुई है और उस लिंक के अंतर्गत 177 आइटम्स जो थी वो जो चाइना एक्सपोर्ट करता था USA को, और अभी USA ने उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है, और दूसरे आइटमों की लिस्ट भी हम लोगों ने उसके अंदर दी हुई है। तो वो एक्सपोर्ट टू चाइना वो पहले चाइना से एक्सपोर्ट होता था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरी भी 150 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके अंतर्गत मैं आपको दूसरी भी बता रहा हूँ कौन सी है, क्योंकि प्रिजर्व्ड पोटेटो, सिंथेटिक स्टेपल फाइबर और टी शर्ट्स, हाइड्रोलिक पावर इंजिन एंड सरचार्ज फॉर द मोटर्स, ये आप आइटम्स हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं उन 177 आइटमों के अंदर। ये हम लोग ये जो ट्रेड वार हो रहा है अपना USA और चाइना का, उसके अंतर्गत हम इस बातों का फायदा उठा सकते हैं। अभी इन बातों के कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरी भी बात है कि चाइना ने भी हम लोगों को ये बताया है कि चाइना ने भी जो USA से इम्पोर्ट करती थी और उन लोगों ने भी जो USA के इंपोर्ट के आइटमों के ड्यूटी के ऊपर लगाया है, तो अभी चाइना ने भी हमको इनवाइट किया है कि उनकी जो वार है USA के साथ उसके अंतर्गत चाइना ने हम लोगों को इनवाइट किया है कि हम उन लोगों का साथ दें। और चाइनाज न्यू एम्बेसडर, अभी जो उनके जो नए एम्बेसडर हैं मिस्टर सन विंग डॉन्ग, वो जब यहाँ पर आए थे तो बताया था कि दे वैल्यू इंडियाज कंसर्न अबाउट द बायलैटरल एग्रीमेंट इम्बेलेंस, मतलब जो चाइना का और इंडिया का ट्रेड हो रहा था उसमें जो इम्बेलेंस हुआ था, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि उन लोगों ने नेवर, इन लोगों ने कभी भी डिलीवरेटली उसको नहीं किया था, और दे आर वेरी मच विलिंग टू डिस्कस दिस इशू कि, और हम लोगों को उसके USA के फाइट के अंदर उनका जो USA के साथ जो फाइट चल रहा है ट्रेड वॉर के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोगों को इन्वाइट किया है कि साथ में आइए और उसके अंदर काम करेंगे। चाइना ने ज़्यादा बताते हुए ये बताया कि लास्ट ईयर उन लोगों ने फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर इंडियन फार्मा एक्सपोर्टर को खोल दिया था, और वो अभी क्रॉस हो चुका है बाई $57 बिलियन ट्रेड। उन लोगों ने यह भी बताया था कि वो लोग अपना इंपोर्ट इंडिया से करना चाहते हैं जो बातें हैं शुगर, राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट,
ये भी जो है 15% लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बढ़ा हुआ है उनका इम्पोर्ट इंडिया से। तो अभी दूसरी जो चीजें हैं वो लोग इम्पोर्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर गुड्स। लास्ट ईयर बोल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर हमारा एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया से चाइना गया था वो इस बार डबल हो चुका है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि जो बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया और चाइना सॉरी यूएसए और चाइना का जो वॉर हो रहा है, यूएसए के अंतर्गत जो यूएसए चाइना से लेता था और अभी वो नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एरिया है। बिफोर दैट कि दूसरी कोई कंट्री वहाँ पर एंटर हो ये आइटमों को लेकर हम लोग वहाँ पे एंटर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर चाइना के बारे में बात करूँ कि चाइना जो इम्पोर्ट करता था यूएसए से और चाइना ने भी कुछ आइटमों के ऊपर यूएसए के आइटमों के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है तो चाइना को भी वो महंगा पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए पोटेंशियल एरिया है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों के बीच में की लड़ाई के अंतर्गत हम लोग जो वो लोग आपस में जिस आइटमों के ऊपर वॉर कर रहे थे वहां पे हमारी पोटेंशियल एरिया है। और इसके लिए ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि हम लोग इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और जल्द से जल्द करें बिफोर दैट कि कोई दूसरी कंट्री वहां पर एक्सपोर्ट करना चालू करें। दूसरी बात एक मैं बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ईयर इंडिया ट्रेड डिफिसिट अगेंस्ट चाइना इज डाउन। इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ चल रहा था वो इस साल 5% घटा हुआ है और ये ग्रेजुअली कम होता भी जाएगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे चाइना ये तब ही पॉसिबल हो पाएगा। अब एक दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ RCEP के बारे में। तो पहले आप समझ लीजिए कि RCEP क्या है। दिस इज अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत 16 कंट्रीज हैं फॉरेस्ट कंट्रीज और चाइना ने प्रॉमिस किया है कि इसके अंतर्गत अगर इंडिया बायलेटरल एग्रीमेंट के अंदर हमारे साथ आती है तो हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सी ऑफर देंगे। लेकिन इंडिया अभी बहुत ही कॉशियस है, उसके भी कुछ रीजंस है। इंडिया कह रही है कि इंडिया अंडरस्टैंड इट विल नॉट मेक एज मच गेन्स फ्रॉम दिस टैरिफ रिडक्शन। इसके अंतर्गत चाइना हमसे कुछ टैरिफ रिडक्शन मांग रही है लेकिन इंडिया ने बताया है कि वो उसको कुछ ऐसा ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। चाइना हैज़ ऑलरेडी 54 बिलियन का जो हमारा उनका जो सरप्लस है यहाँ पे आ रहा है और हमारे इंडिया से वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपोर्ट हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर चाइना ने एक्सपोर्ट गुड्स जो था 70 बिलियन इंडिया को किया था और इंडिया से सिर्फ हम लोगों ने 16 बिलियन किया था। तो वो जो डिफिशिट था मतलब इंडिया से जो कम एक्सपोर्ट हो रहा था टू चाइना दैट वाज 4.5 टाइम्स। सो नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम इज दैट के इंडियन इंडस्ट्री इसके अंदर बहुत कॉशियस इसके लिए क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट द इंडियन इंडस्ट्री इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया हमेशा ये देखता है कि हमारा इंडियन मार्केट है उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा फ्रॉम द चाइनीज गुड्स एंड रादर देन इंक्रीज इज प्रेजेंस इन द चाइनीज मार्केट। चाइनीज मार्केट में हम लोग प्रेजेंस बढ़ा है इससे ज़्यादा इंडिया का ये रुक रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वैजाग और चाइना वैजाग और चेन्नई के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि वैजाग और चेन्नई का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है उसके अंतर्गत हमारे जो पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं उसने राज्यसभा में बताया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हम जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत वैजाग चाइना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और जो फोकस्ड एरियाज हैं उसके अंदर वो है विशाखापट्टनम विचेलीपट्टनम डोनाकोंडा और चित्तौर। ये आइडेंटिफाइज एरिया हैं जिसके अंतर्गत इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रेजेंटली कॉमर्स मिनिस्टर ने जो विजिट किया था लंदन के अंदर उसके बारे में बहुत एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना जा रहा हूँ कि वो ये थी कि इंडिया सीक्स इन्वेस्टमेंट बट वॉन्ट साइन एनी अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसके अंतर्गत हमारे मिनिस्टर ने बताया है कि इंडिया हैज़ रेड लाइंस टू प्रोटेक्ट इंडिया इकोनॉमी फर्स्ट। वो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को हम लोग पहली प्रायोरिटी दें। इंडिया गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द आइडियाज फ्रॉम ऑल द साइड्स टू गिव द कॉन्फिडेंस टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट।
इन्वेस्टर्स लोगों को एफडीआई लोगों को यहाँ पे बुलाने के बारे में हम लोग खुले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो हमारी जो पर्टिकुलर जो इंडिया के जो का जो इंटरेस्ट अगर अगेंस्ट में होगा तो वो हम लोग ऐसा कोई भी सही नहीं करेंगे, ऐसा क्लियर बातों में बताया हुआ है। इंडिया का जो बताया है कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्रीमेंट सही की थी 2009 और 10 के अंतर्गत, ऐसी सही करने के बाद इंडिया को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ था। तो इस बात इसके बाद अभी जो भी हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान अंतर्गत रखते हुए ही हम एफडीआई को और इन्वेस्टमेंट को हम लोग को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर न्यूज चैनल, एंड अगर आपको हम लोग हमेशा हर वीक अच्छी से अच्छी न्यूज लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी इस बात के बारे में नॉलेज बढ़ाइए और हमारे इंटरनेट का एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।